आगे बैठाएंगे। इसी के संदर्भ में हमारे गार्जियन आप लोग को समझाएंगे और पार्टी को निर्माण के लिए जो नालंदा जिला में 20 प्रखंड है, 20 प्रखंड में 14 प्रखंड में चुनाव हो चुका है। यह भी पार्टी जिंदाबाद बनाएंगे। यह पार्टी का गठन हुआ था, हुआ भी पार्टी का गठन हुआ था। सबसे बड़ा चीज है कि पूरा प्रदेश से लेकर देश जानता है कि पूरा खुला गांधी मैदान में कोई ऐसा पार्टी आज तक नहीं बना जो खुला गांधी मैदान जैसा बहुत बड़ा समझे कि क्या कहा जाए मैदान में है। इस पार्टी का गठन हुआ तो बहुत सारी पार्टी बना, उन लोग का भी कोई बंद कमरा में पार्टी बना है, लेकिन यह पार्टी मुकेश साहब न बढ़ेंगे न बढ़ पाएंगे। चूंकि 5 साल पहले पौधा लगा था, मिस कार्यकर्ता का गठन हुआ था, उसके लिए भी एक टीम बनाया जाए कि आखिर वह पौधा क्या हुआ। हटा दिया गया, आज फिर आज देखिए 2024 में फिर चुनावी जो है समागम होने वाला है। हम लोग तो एकजुट हैं ही, अब मेरा वीआईपी पार्टी किसी तरह से कमजोर नहीं है। लोगों को लग रहा है कि कमजोर है, अगर कमजोर रहता आज हम 6 महीने के बाद आज हम पार्टी को आज हम इस सभा में लोगों को बुलाए हैं। इसका उपस्थिति देखिए कि क्या है। जिस ढंग से पार्टी का निर्माण हम लोग ने किए, बूथ स्तर तक बनाने का कोशिश किए, पंचायत स्तर तक, प्रखंड स्तर तक, विधानसभा वाई में हनुमान जी गए थे तो रावण ने मजाक उड़ाया था, लेकिन उन्हें क्या पता कि ये लंका के रावण क्या पता कि एक बंदर पूरे लंका को जलाकर राख कर देगा। यदि आप लोगों को कोई मजाक बना रहा है, मजाक उड़ा रहा है, तो आप लोग हनुमान बनिए और उसके घमंड रूपी लंका को जलाकर राख कर दीजिए। यदि परिवार है, आज पार्टी है तो पार्टी के चलते हम हैं, आप हैं, सब लोग हैं, रहमान साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, रामबलि बाबू है। पार्टी नहीं होती तो यह बाल गोविंद बिंद कैमूर में होता है, आप कहां होते हम कहां होते। और पार्टी में सभी कार्यकर्ता सभी के मान सम्मान में खड़ा रहते हैं, हो सके किसी से यदि चूक हो जाए तो उसके लिए बाल गोविंद बिंद आप लोगों से पुनः हाथ जोड़कर माफी मांगता है। जिस तरह से भगत सिंह ने अशफाकउल्लाह में आजादी के दीवाने बने थे, वो लोग आजादी के क्रांतिकारी बने थे, आजादी के दीवाना बने थे, उस तरह से आप लोगों को वीआईपी का दीवाना बनना पड़ेगा। और जब तक दीवाना बनना पड़ेगा, जब तक हम वीआईपी पार्टी को बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे, तब तक आप लोगों को कहना पड़ेगा कि वीआईपी का मैंने एक नारा लिखा है कि वीआईपी का संकल्प है पिछड़ा का दलित का संकल्प है और बिहार का मुकेश सहनी ही विकल्प है करूंगा। और जिला के सारे कमेटी से मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी मेरा भाई नाराज हो उसे मान सम्मान सहित पार्टी में जोड़ा जाए, ताकि उसका भी इस पार्टी में खून पसीना लगा है उसको हम नकार नहीं सकते। मखदूम मावा की धरती है ये धरती, मणिराम अखाड़ा की धरती है ये धरती, जो यहाँ पर लेटे हुए हैं मलिक बया की धरती है। इतने पवित्र धरती पर मैं आज भाषण दे रहा हूँ कि अपने फूले नहीं समा रहा हूँ। भाई दोस्तों, इसका आप लोग लाज रखिएगा, ये तीनों का, ये धरती का लाज रखना। भाइयों दोस्तों, होगा आप इसको लेके चलिए तभी सक्सेस होइएगा, अन्यथा आप अपने जोर दीजिए मुसलमान भाइयों को कि आप ज्यादा से ज्यादा इस पार्टी में ज्वाइन कीजिए, उसके बाद देखिए क्या होगा। आज क्या कार्यक्रम रखा गया था? आज वीआईपी का एक इम्पोर्टेंट कार्यक्रम था, हम लोग को सबको जोड़ना है, सब लोग को, एक सिंगल पार्टी नहीं है, वीआईपी सबों की पार्टी है। और मुझे एक लक्ष्य है कि मैं अपने नेता को चीफ मिनिस्टर बना के रहना, बिहार का चीफ मिनिस्टर। यहाँ तीन युवा है, एक आरजेडी से, एक वीआईपी से, एक पासवान जी से, लेकिन मैं वोट में सबसे ज्यादा मेरा है, मेरा अधिकार है,
मेरा अधिकार, हम जिसको चाहेंगे वही चीफ मिनिस्टर बनेगा बिहार का। क्या लगता है मुकेश सहनी जी लोकसभा में किनके साथ लड़ेंगे? हम अभी कुछ नहीं, मेरे नेता किसके साथ जाएगा, जिसके साथ मेरा नेता जाएगा मैं उसी के साथ जाऊंगा। तो है एकदम कन्फर्म है कि जिसके साथ वो जाएंगे विक्ट्री उसी के होगा। जनता में ऐसा है कि फिर मुकेश सहनी उसी पार्टी साथ जा रहे हैं जो उनके साथ धोखा कर रहे हैं, क्या ऐसा कुछ है क्या? नेता अभी मेरा कोई डिसीजन नहीं लिया है, डिसीजन सब इन लोगों समूह को साथ ला करके बोल करके सबसे राय मशवरा करके मेरा नेता डिसीजन लेंगे। बिहार में तो ऐसा बताया जा रहा है कि अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। अभी हम नहीं कर सकते, हम सब अपना पार्टी अपना बोल रहा है, लेकिन हम भी बोलेंगे मेरा मुख्यमंत्री मेरा होगा। के बाद होता है अधिकारी के रूप में तेजस्वी यादव को बताया जा रहा है, तो माने कि मेरे भी तो 16% वोट है, ऐसी बात तो नहीं कि मेरा वोट कम है और लोगों से, मेरा वोट ज्यादा है, हम भी बन सकते हैं, हम भी दावेदार हो सकते हैं मुख्यमंत्री के। आपकी पार्टी आनंद मोहन के बारे में कुछ नहीं कर रही, जहां तक हर पार्टी कुछ न कुछ सपोर्ट कर रहा है, आपकी पार्टी क्यों चुप है? तुम तो मीडिया सेल के आदमी हो, जब गवर्नमेंट ले लिया, यहाँ पर मेरे वकील साहब बैठे हुए हैं, जब गवर्नमेंट डिसीजन ले लिया तो उसको तो उसको मानना पड़ेगा। कब वकील साहब जी, मैं राइट में रहा हूँ, राइट है सर। आज किस तरह का प्रोग्राम रखा गया था बिहार शरीफ में? आज नालंदा जिला के सभी वीआईपी पार्टी के क्रिकेट के जिला चेयरमैन बनने का विस्तार किया गया है और सारे कार्यकर्ताओं का बैठक चेयरमैन है, और आज जो आई कार्ड है आई कार्ड बटा है, और सारे पद जो प्रखंड स्तरीय कमेटी रहा है, प्रखंड अध्यक्ष आए हैं, पार्टी के आदरणीय नेता माने मुकेश सहनी जी का जो विचार रहा है, पार्टी का जो नीति सिद्धांत है उन लोगों को बताया गया है कि हम आने वाला 24 में 25 में कैसे जमीन पर प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक हमारी कमेटी मजबूत होगी। उस विषय पर काफी उत्सुकता में अपने पदाधिकारियों को नेताजी का जो दिशा निर्देश बताया गया, इसी का मुख्य उद्देश्य यही बैठक था। जातीय जनगणना पर क्या कहना चाहेंगे? जातीय जनगणना पर जो अपना जाति है वो अपना जाति लिखे, कोड लिखे, और जो हम लोगों को तो पहले ही से लोग बांट कर रख रहा है, आज भी लोग बांट रहा है, तो उसे घबराना क्योंकि लास्ट में हम लोग फार्मूला निकाल लेंगे, जिसका हो जाएगा सब निषाद के जितने उपजाते हैं सबको लिख कर एक बारी हम लोग नेताजी फेस कर देंगे कि हम लोग 16% है 15%। बीजेपी पार्टी हर बार कह रहा है कि जहां लैपटॉप सेटेलाइट का जमाना है वहां जाति पे लोग बात कर रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उनका कहना है जाति जनगणना जरूरी है, हमारा आधारित तो हो जाए कि हम कितना है, हम इतना जो लोग हैं इतना खा रहे हैं, आज जो इतना है वो इतनी खा रहे हैं। क्या लगता है स्वर्ण जाति के लोग हैं उनको घबराहट हो रही है क्योंकि संख्या कम है और जो फायदे ज्यादा मिल रहे हैं? उस समय आएगा तो सब उन लोगों की घबराहट, जिनको और लोगों को घबराहट होगा। आपकी पार्टी आनंद मोहन के बारे में कुछ कमेंट नहीं करी, सारी पार्टियां कुछ न कुछ बोल रही है, कोई उनका हमदर्द बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, आप लोग क्यों चुप है? वो कोर्ट का मैटर है, हमें आनंद मोहन का चिंता नहीं है, हमें चिंता है अपने लोगों का, हमारे लोग कब बढ़ेंगे, हम अपने लोगों का चिंता में लगे हुए हैं। हाँ, हम अति पिछड़ा दलित के लगे हुए फिर में हम आनंद मोहन के पीछे क्यों जाएं? आनंद मोहन अपना क्या करेंगे, उनका कोर्ट का मैटर है, कोर्ट समझे, हमारे लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? सचिव है और हमें घूमने का छुट्टी नहीं मिल पा रहा, तो हमारे पास जितने भी आदमी रजिस्ट्री के लिए आते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं वहीं पे, और वहीं पे 10 मिनट या 1 घंटा समय दिया जाता है। बहुत सौभाग्य प्राप्त होता है जब मीटिंग, आज हम लोग तो उत्साह, जब निषाद विकास संघ में जिलाध्यक्ष बने थे 5-6 आदमी रहा करते थे, जब निषाद विकास संघ का 4 नवंबर में गांधी मैदान में एकता का अपने परिचय दिए, उसी से विकासशील इंसान पार्टी का